नमस्कार, इंडियन टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। फिरोज फारूकी अध्यक्ष को सुरेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा किया गया सम्मानित। सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने डॉक्टर फिरोज फारूकी अध्यक्ष होम्योपैथिक दवा विक्रेता को माल्यार्पण कर व अंगवस्त्र आदि भेंट करके सम्मानित किया। सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को देश से भगाने के दायित्व निर्वहन में लगे, उसी तरह डॉक्टर फिरोज फारूकी अध्यक्ष लगातार लगे रहे। डॉक्टर फिरोज फारूकी अध्यक्ष के आवास पर भव्य तरीके से उनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर फिरोज फारूकी अध्यक्ष ने ग्रामीणों में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन आदि का वितरण किया। साथ ही असहाय गरीबों को दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली राहत सामग्री वितरण की। इस दौरान सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है, इसमें अपना जान जोखिम में डालकर देश की सेवा में अपना दायित्व निभा रहे कोरोना योद्धाओं का योगदान प्रशंसनीय है। मैं डॉक्टर फिरोज फारूकी, होम्योपैथिक दवा विक्रेता संघ का अध्यक्ष और होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, रेलवे स्टेशन ग्यारह। जी, आपको चैनल के द्वारा सम्मान किया गया है। हम जानना चाहते हैं आप इस महामारी कोरोना में किस तरह से आपने पहल किया था। जी, इसमें कोविड-19 का हम लोगों में आया आर्सेनिक एल्बम करके, जो कि इसमें इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। हमने पहले तो बहुत सारे मरीजों को इसको फ्री में बटवाया और उसके बाद जैसा जो तरीके से होता है, जहाँ भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग हर कदम के साथ रहते हैं और इसका हर तरीके से सहयोग किया गया है। जी, इस महामारी कोरोना में आप लोगों को क्या संदेश देंगे? अभी तो महामारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए देखिए जितना एक दूसरे से दूरी बनाए रहें और अपने को बचने की कोशिश करें। लोग अभी ऐसा लग रहा है कि दिल से डर निकल गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महामारी अभी भी कायम है और इसको जितना बचाव हो सके बचाव किया जाए, बचना ही एक उपाय है और कोई इसका विकल्प हो जाए, समाधान या कुछ या अभी ऐसा। आपको कैसा लग रहा है, आपको सम्मानित किया गया था? जी, ये तो बहुत बड़ी फर्ज की बात है, सम्मानित किया गया। ये आप हमको उस काबिल समझें, ये आपके न्यूज़ का और उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।